वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th, सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हम लोग ने तीनों नेचर पढ़े थे, तीनों नेचर अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। आज हम आगे पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे जो रिलेटेड होंगे हमारे मनी से, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। देन आफ्टर की प्रोसेस कम्युनिकेटिंग होती है, जो सामने वाली पार्टीज को हमें कम्युनिकेट करना होती है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो सारा सिर्फ मनी एंड मनी एंड मनी में ही किया जाएगा। बिजनेस ए लीगल इंटरप्राइजेस सेटअप विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस मतलब कि व्यापार, व्यवसाय होता है। एलीगल इंटरप्राइजेस जो कानून के द्वारा वैध होता है, उसके द्वारा आप उसको प्रोसेस में लाते हैं, चलाते हैं। अब विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, और बिजनेस जो होता है वो किस लिए किया जाता है? अर्निंग प्रॉफिट के लिए। प्रोफेशन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें प्रोफेशन, एनी वर्क विच रिक्वायर्ड एक्सटेंशन मेंटल और फिजिकल। प्रोफेशन जो होता है वो स्पेशल स्किल और नॉलेज के साथ में किए जाना वाला कोई भी वर्क जो होता है वो प्रोफेशन में आता है। जिस वर्क को करने में उसकी मास्टरी होती है, लाइक ए डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर। ये जितने भी होते हैं इनको अपने अपने फील्ड में मास्टरी होती है। डॉक्टर से कहेंगे अगर हम ब्रिज बनाएं तो वो नहीं बना पाएगा, इंजीनियर को कहेंगे इंजेक्शन लगाओ वो नहीं लगा पाएगा। तो प्रोफेशन जो होता है वो स्पेशल स्किल्स और नॉलेज के साथ में किए जाना वाला जो वर्क होता है वो हमारा प्रोफेशन होता है। कैपिटल द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स which is initially invested by the proprietor while starting his business. जब हम business को start करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है capital की। capital means पूंजी। proprietor नया word है, proprietor को हम समझें। proprietor मतलब की होता है owner of shopkeeper। जब proprietor business को start करता है तो start करने में जो पैसा invest करता है large amount पर, वो होता है हमारा कैपिटल। फिक्स कैपिटल की बात करें, कैपिटल अप्लाइड फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट हमारे पास में होगा तो हम परचेस कर सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। फ्लोटिंग कैपिटल एसेट्स परचेसिंग फॉर सेल। ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग कैपिटल जो होती है वो एसेट्स हम जो परचेस करते हैं सेल के पर्पस से, वो कहलाती है हमारी फ्लोटिंग कैपिटल, लाइक ए स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैपिटल कैप्ट फॉर ऑपरेटिंग डेली रूटीन एक्टिविटीज फॉर बिजनेस। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो रूटीन एक्टिविटीज में आती है बिजनेस के, लाइक ए कैश आता भी है और जाता भी है। ड्रॉइंग विथड्रॉ ऑफ कैश ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज ऑन यूज। ड्रॉइंग जो होता है पर्टिकुलर पर्सनल यूज होता है, हम खुद अपने उपयोग के लिए ही कैश एंड गुड्स को यदि विथड्रॉ करते हैं प्रोपाइटर खुद के उपयोग के लिए, तो वो होता है हमारे लिए ड्रॉइंग। स्टॉक अनसोल्ड गुड्स
remain on the particular date or during a period. Stock जो होता है unsold goods, मतलब कितना goods हमारे पास बिना बिके हुए रह गया है. Remain on the particular date during a period. Particular date मतलब at the end of year में कितना goods हमारे पास में unsold रह गया है, वो होता है हमारा stock. Turnover की बात करें, turnover total amount of sale during a particular period. Cash and credit total amount of sale, अभी तक अपन ने कितने amount की sale कर दी है during the particular period. अब particular period का मतलब मैं आपको यहाँ explain कर दूँ, 1 month, 3 month, 6 month and 1 year. Transaction काय में हुआ है, चाहे आपका cash में हुआ हो या credit में. Trade discount, concession allowed to a buyer on the invoice price of goods to induce him to purchase more and more. No entry of trade discount is made in the book of account. Trade discount, concession allowed to a buyer. बायर जो होता है इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स, इनवाइस प्राइस मतलब कि जो प्राइस, जो भी गुड्स हम परचेस करते हैं उस गुड्स के ऊपर जो प्राइस होती है, उस प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट. और ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में या किसी भी अकाउंट में हम लोग एंट्री नहीं करते हैं या ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं. लेकिन नाम है डिस्काउंट तो डिस्काउंट लेस जरूर किया जाता है, लेकिन उसकी किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं करते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट, किसी भी अकाउंट में. नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट, कंसेशन ग्रांटेड बाय ए सेलर टू ए बायर ऑन द अमाउंट टू बी रिलीज्ड फ्रॉम हिम फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. ध्यान दीजिएगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है तुरंत पेमेंट करना. ट्रेड डिस्काउंट में अगर अपन बात करें, बाद में भी अपन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट उन्हीं कस्टमर्स को मिलता है जो प्रॉम पेमेंट करते हैं, उसी समय पेमेंट कर देना प्रॉम पेमेंट हमारा कहलाता है. द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट इज मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट. कैश डिस्काउंट को हम लोग जर्नल में इंक्लूड करते हैं, इसकी एंट्री अकाउंट में शो की जाती है. डेटर्स एंड बुक डेथ, those persons are institutions to whom goods are sold on credit or money or services are lent till the full payment is received. Debtors जो होता है वो किसी भी goods or commodities को credit में purchase करने वाला person होता है. यहाँ transaction cash में नहीं किया जाता है, transaction जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काय में किया जाता है, क्रेडिट में किया जाता है. तो पर्सन जो होता है लेने वाला, रिसीव करने वाला, वो हमेशा कहलाता है आपका डेटर्स. क्रेडिटर्स की बात करें, पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट और सर्विसेज आर रिसीव्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स टिल द फुल पेमेंट इज मेड. क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है जो गुड्स और कमोडिटीज को क्रेडिट में सेल करता है या क्रेडिट में देता है. नेक्स्ट में अपन बात करेंगे बैड डेट की. बैड डेट हिंदी मीनिंग इसका अगर देखें तो होता है डुबतरीन. इफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर्स इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट. इट इज ए लॉस ऑफ बिजनेस. बैड डेट जो होता है, इफ द अमाउंट फ्रॉम ड्यू, अगर अपन किसी में अमाउंट मांगते हैं, पैसा मांगते हैं और वह पैसा हमें रिकवरेबल नहीं होता है, तो ऐसा पैसा जो होता है वो हो जाता है बैड डेट. इट इज ए लॉस फॉर बिजनेस और ये बिजनेस का लॉस माना जाता है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.